पेशकश फैंटा वर्ल्ड ट्रेवल एजेंसी की तरफ से सुनहरा धमाकेदार ऑफर। इस ऑफर में हम सुनहरे सुनहरे मजे लीजिए। आप समझ में आ रहा है मेरा धंधा धीमे कुचल रहा है? तुम मेरे कस्टमर चुरा रहे हो? किसे पता था ये काम इतना मुश्किल होगा? अरे यार, अब मुझे कोई चालाकी करनी होगी। राष्ट्रपति की देखो लखा, मुझे यहाँ पर उन्हें लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लखा कुछ अजीब से दिख रहा है ना, चलो। कैसे हो लखा? लखा क्या हाल है? ठीक है, लखा इतना उदास क्यों है? मुझे भी कुछ नहीं पता। लखा क्या हुआ? अरे डब्लू, लखा को भूख लगी है, तुम अपना सेब लखा के साथ क्यों नहीं शेयर कर लेते? लखा तुम्हारे लिए। लगता है टूरिस्ट यहाँ काफी खाना छोड़ के गए, चलो हम भी खाते हैं। ये लो। इसमें बदबू है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अच्छा खाने को तुमने बर्बाद कर दिया। क्या करना चाहिए, लगता खाने से मना कर रहा है। शायद वो बीमार है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमेशा खाने के बारे में सोचते रहते हो। मैं तो खा लू हूँ और मैं तंदुरुस्त रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पता है। खाओ। ये बढ़िया है, अब मैं भी एक होटल खोलूंगा। अपने सोच का दायरा बढ़ाओ और मेरे साथ एक बढ़िया टूर पर आओ, बबलू डब्लू पार्क। ये अब तक का मेरा बेहतरीन आइडिया है। बिल्कुल इस तरफ, यहाँ बैठ जाइए। प्यारे बच्चे, मजेदार है। रुकिए सर। तुम अच्छी तरह जानते हो ना, खाना चेक करने वालों की तुम लोग कभी तारीफ नहीं करते। आलोचक। मैं एक मशहूर मैगजीन में लिखता हूँ जो खाना बनाने के तरीकों के बारे में छापती है, तो देखते हैं तुम मुझे इम्प्रेस कर पाते हो या नहीं। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, बस मुझ पर छोड़ दीजिए। ओ, इतना भरोसा, करो मुझे इम्प्रेस। एक खाने का आलोचक, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ 10 मिनट में खाना मिल जाएगा मुझे। समय तेजी से कम हो रहा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। 3, 2, समय समाप्त। खाना तैयार है। इस खाने में मीट क्यों नहीं है? उसकी चिंता मत करिए, तो शुरू करते हैं सिल्की टोफू से। वादा करता हूँ बहुत मजा आएगा। इसमें नमक कम है। आपको ये देखना चाहिए, ये आलू और मिर्च है, मैंने हाथों से उगाए हैं सबसे बढ़िया मसाले। ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ही मशहूर खाना है। ये पका हुआ नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आप इसको भी कर देखिए। पीने के लिए मैं इसे मशहूर अंगूर की ड्रिंक कहता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो, ये बिल्कुल ही बेकार है। इतना बुरा खाना मैंने आज तक नहीं खाया, बहुत ही बेस्वाद और बुरा। चलता हूँ। प्लीज मत जाइए, रुकिए, ऐसा मत करिए, मैं दोबारा लॉगिंग में नहीं जा सकता। बस मुझे एक और मौका दे दीजिए, बस एक और। ये तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, मैं तुम्हें कल एक और मौका दूंगा, पर याद रखना ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, समझ गए? बाय, फिर मिलते हैं। ए लखा, तुम्हारा खाने का टूर कैसा था? क्या वो हिट था? वो गया क्या? ओए, मुफ्त कब हो रहा? अरे ये तो बहुत अच्छा है,
लका, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही अच्छा है। तुम बस अच्छे बन रहे हो, आलोचक को तो बुरा लगा। लका, कुछ खा के देखो, अच्छा है ना? ये तो स्वादिष्ट है। तो फिर आलोचक ने इससे नफरत क्यों की? हो सकता है उसे सब क्या पसंद हो। इस खाने में मीट क्यों नहीं है? हो सकता है उसे सब्जियां खाना पसंद ही ना हो। ओ, मेरे पास एक आइडिया है। तो दोस्तों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऑपरेशन ग्रीन टेस्ट बर्ड शुरू होता है। आपको बुरा नहीं लगेगा सर, मैं वादा करता हूँ। सर, ये सारे जानवर यहाँ क्या कर रहे हैं? चिंता मत करो, ये टूर नेचुरल टेस्ट के बारे में है। हमें आपको तैयार करना है। ऐसे ताजे खाने की तारीफ करना मुश्किल है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? शुरू करो। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? डब्लू, आराम से। मजा आ रहा है ना? चलो, आराम से, आराम से। अरे देख कर उसको चोट ना लग जाए। अरे वापस आओ। सच में ये सब काफी अच्छा था। आप, तुम्हारे रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत अच्छी है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ और है आपके लिए। क्या हो रहा है? बचाओ मुझे कोई। ओह, अब तो मुझे भूख लग गई है। बढ़िया समय है, क्या तुम तैयार हो? लेकर आओ। अरे आ रहा हूँ, नाश्ते का वक्त है। ये तो वही खाना जो तुमने कल सर्व किया था मुझे। नहीं, वो नहीं है, चेक कर तो देखिए। मेरे ख्याल से मुझे चेक कर देखना चाहिए। कैसा लगा? ये तो बहुत कुरकुरा है, मजेदार स्वाद से भरा हुआ। ये केवल एक आलू कैसे हो सकता है? बताओ तुमने आलू के साथ क्या मिलाया है? बताओ तुमने ये कमाल का खाना कैसे बनाया? स्वादिष्ट खाना आज तक जिंदगी में कभी नहीं खाया। ये बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। मैं यहाँ पर अकेला हूँ जो ऐसी सब्जियाँ बनाता हूँ। ये तो नेचुरल है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही खाना बना है। सब प्राकृतिक, केवल सब्जियाँ, खाना तो ऐसा ही होना चाहिए। ओह, अब मैं समझ गया। मैं हमेशा मीठी खाता रहता हूँ, इसीलिए मेरे मुंह से मीठ का स्वाद नहीं गया था। तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, ये सब्जियों की ताजगी ही है और इसमें कोई मीट नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है, बब्लू डब्लू पार्क जैसा खाना कोई बना सकता है क्या? तुम सब वाकई कमाल के हो। मैं तुम्हारे खाने के बारे में बहुत कुछ लिखने वाला हूँ, वो भी बहुत अच्छा। बढ़िया है। दोस्तों, इसे देखो। अरे वाह, ये तो कमाल करीब लिखा है। अब तक कैसा कमाल था। मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मुझे जरूरत है। तो कुछ भी नहीं था। चलो चलो, एक मिनट रुको। क्या हुआ? 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? प्लीज, मैं वादा करता हूँ ये बस थोड़ी देर के लिए होगा। इतने सारे? मैंने कहा प्लीज।